स्टेनलेस स्टील 2-in-1 SS पल्वराइजर हैवी ड्यूटी में हमारे पास 3 अलग टाइप के मॉडल है। यह 2 HP सिंगल फेस SS पल्वराइजर, इस मशीन की कैपेसिटी है 20 किलो प्रति घंटा। यह 3 HP सिंगल फेस SS पल्वराइजर जिसकी कैपेसिटी 30 किलो प्रति घंटा है। यह मशीन है 5 HP 3 phase SS पल्वराइजर जिसकी कैपेसिटी अराउंड 48 kg पर आवर है। ये तीनों मशीन की बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क है। 2 HP 3 HP और 5 HP मशीन में उसका ग्राइंडिंग चैम्बर का साइज़, बीटर का साइज़, कटर का साइज़ और स्क्रीन का साइज़ सभी चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। सभी मशीन के बॉडी कैबिनेट और वेट में भी फ़र्क है। मशीन के साथ एसेसरीज़ में हम 8 अलग अलग साइज़ का चाली देते हैं, साथ में एक फ्लोर कंटेनर रिंग, माइक्रोफाइन बैग, क्लीनिंग ब्रश और मसाला होपर, और साथ में रहेंगे 4 एंटी वाइब्रेशन नॉब। 2 HP और 3 HP का मशीन सिंगल फेज है, इसीलिए उसके ऊपर MCV स्विच और एम्पियर मीटर आएगा, लेकिन 5 HP है वो 3 phase का मशीन है, इसीलिए इस मशीन के साथ आता है एक कंट्रोलर जिसमें वोल्टेज और एम्पियर मीटर रहेंगे, MCV और मशीन ऑन ऑफ स्विच वो भी कंट्रोलर के साथ ही रहेगा। ये मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं इसका हमने और एक वीडियो बनाया जो आपको हमारे चैनल में से मिल जाएगा। आइए देखते हैं मशीन का सराउंडिंग लुक। मशीन का पूरा कैबिनेट SS से बना हुआ है जो पूरा मैट फिनिश है। तो आइए देखिए इस मशीन को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटर को बंद रखें, उसके बाद मशीन चालू करें। मशीन चालू करने के बाद ही होपर में अनाज डालें। अनाज डालने के बाद रेगुलेटर को घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, जिससे होपर में जो अनाज है वो धीरे धीरे होपर में से ग्राइंडिंग चैम्बर में जाएगा। ये 2 HP का सिंगल फेस से चलने वाला मशीन है। इसकी कैपेसिटी 20 से 25 किलो पर आवर है। मशीन के अंदर एक सर्किट है, अगर मोटर ओवरलोड में जाता है तो वो मशीन को ऑटोमेटिक बंद कर देगा। इस मशीन में आप सभी प्रकार के अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, धनिया, मक्का, बेसन, उस टाइप के सभी अनाज आप पीस सकते हो। और अगर आपको टर्मरिक मतलब कि हल्दी अगर आपको पीसना है तो आपको 2 बार ग्राइंड करना पड़ेगा, पहले बड़ी चाली में और उसके बाद उसी मटेरियल को छोटी चाली लगा के वापस ग्राइंड करना पड़ेगा। इस मशीन में हल्दी को कैसे ग्राइंड करते हैं उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, हमारे चैनल में जाइए, वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।